हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको अपना पोनीटेल पाम का पौधा दिखाती हूँ। ये पाम की एक वैरायटी है। इसको पोनीटेल पाम इसलिए कहते हैं, इसमें ये जो इसकी लीव्स होती हैं ये बिल्कुल जैसे गर्ल्स छोटे छोटे बच्चों के पोनीटेल बनाया जाता है उसकी तरह से निकलती हैं एकदम। देखिए इनको अगर हम ऊपर करके इस तरीके से छोड़ें तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बिखर जाती हैं। नीचे इसका ये बेस में देखिए, इसका ये स्टेम होता है, ये बहुत हार्ड होता है एकदम। मैं इसे नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी तब इसका ये नीचे का जो बेस था वो केवल इतना था। धीरे धीरे ऊपर उठाते उठाते मैंने इसको अब ये देखिए इतना बड़ा हो गया है। इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, पहले ही छोटे गमले में था तो उसमें केवल इतना स्पेस और आगे था, इतना बड़ा गमला था। अब मैंने इसे अभी सितंबर के स्टार्टिंग में ही बड़ा गमले में रिपोर्ट कर दिया है जिससे ये पौधा अच्छे से ग्रो करे। इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी है इसकी, क्योंकि इसमें अगर पानी ज़रा भी अगर रुकेगा गमले में तो इसका जो ये नीचे का पोर्शन है ये अधिक पानी की वजह से गल जाता है, इसलिए इसको पानी कम ज़रूरत होती है। देखिए दूर से देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसकी लीव्स देखिए, नीचे गमला मेरा ये बहुत बड़ा है इसके बावजूद इसकी ये लीव्स नीचे तक आ रही हैं। इसे मैं एक ऊंचे पत्थर का टुकड़ा है उस पर रखती हूँ, अभी वीडियो बनाने की वजह से मैंने इसे यहाँ रख लिया है बीच में। इसे बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप ऐसी सुबह से 2-3 घंटे की धूप सुबह से मिल जाए, दोपहर की तेज़ धूप में ना रखें इसे। देखिए इसमें ये ऊपर ये इस तरीके से इसकी ये पतली पतली लीव्स है ना ये निकलती हैं यहीं से और ये बड़ी होती जाती हैं फिर इस तरीके से। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हो गई हैं इसकी। इसकी प्रोपेगेशन गमले में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी प्रोपेगेशन के लिए जब ये ज़मीन में लगा होता है तो देखिए इसकी ये जो इसका कॉडेक्स है इसी के ऊपर ये जो इसका कॉडेक्स है यहीं पे इसके छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं, बेबी प्लांट। तो जब वो ज़मीन में लगा हो तभी हो पाते हैं वो बड़े। अभी गमले में तो ये मेरा 1.5-2 साल पुराना प्लांट है केवल, तो इसमें तो अभी एक बार भी नहीं निकले हैं। तो जब वो जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनको आप चाकू की मदद से जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा ऊपर हटा के काट के और उसको नए गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये क्योंकि मेरा छोटा प्लांट है तो इसमें ये प्रोपेगेशन का कोई रास्ता नहीं है। इसे तेज़ धूप में अगर हम रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ये बर्न हो जाती हैं, इसे केवल सुबह की धूप दें। इसके लिए फर्टिलाइज़र के लिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बना के रखा है मैंने गोबर की खाद का वही देती हूँ, कोई स्पेशल इसमें और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती खाद। नहीं इसमें कोई पेस्ट अटैक करते हैं अभी तक, मेरे यहाँ तो ये 1.5-2 साल पुराना प्लांट है अभी तक तो इसमें कभी कोई परेशानी नहीं आई। देखिए इसकी जो ये लाइट ग्रीन वाली जो लीव्स हैं ये अभी निकली हैं ये वाली, और देखिए ये जो डार्क कलर की हैं ये इसकी पुरानी लीव्स हैं। देखिए बहुत सुंदर प्लांट है, अच्छा लगता है देखने में। थैंक यू फ्रेंड्स।